दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। तीन दिन पहले 30 मई की बात है, मैं अपने एग्जाम देने के बाद वापस घर आया और देखा कि घर में सभी लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। मेरे पूछने पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए कहा। इस बात को नजरअंदाज करके मैं अपने अगले एग्जाम के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया। जब थोड़ा आराम करके उठा तो सबको परेशान देखकर मैंने एक बार फिर सबसे पूछा कि वह क्यों परेशान है, तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में मेरी चचेरी बहन के ससुराल में एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर सबके सब डरे हुए हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मम्मी और दीदी ने जो कुछ मुझे बताया वह कुछ इस कदर था। जहाँ दीदी का ससुराल है वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर कुरुक्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वह रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा काम संभालते हैं, इसलिए वो वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। रोज की तरह 30 मई को मेरे जीजा जी, उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह के करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और रसोई में मेरी दीदी और उनकी देवरानी नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वे आपस में बातें कर रहे थे। अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर में एक आदमी जिसने पुराना सा पैजामा पहना था, ऊपर एक गंदी सी चादर ओढ़ रखी थी और नंगे पैर थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो दौड़ता हुआ पास के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक वह दौड़ता हुआ घर में घुस गया। उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वो आदमी रसोई घर की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्लाने लगी, मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और तुरंत गायब हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे देखा और डर के मारे कुछ देर के लिए सुन पड़ गए। ये सब देखकर मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तेज बुखार चढ़ गया। जो देखा उसे झुटला भी नहीं सकते और ना ही किसी को बता सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं उनकी आत्माओं को घूमते हुए उन्होंने ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों ने भी देखा है, मगर ऐसा भयानक नज़ारा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर किसी को बताया तो लोग यही समझेंगे कि हम लोग अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए ये बात उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास के लोगों को भी कुछ नहीं बताया। बस किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मुख्य कारण पता लगाया जा सके। जीजा जी के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया और जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता उन्हें कुरुक्षेत्र ना आने की सलाह दी है। ना जाने इस समय वहां क्या चल रहा होगा, क्योंकि ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं कि रोज घटती हो। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।